रॉकी भाई के क्राइम्स का होगा ट्रायल? क्या गवर्नमेंट पकड़ पाएगी रॉकी को? मूवी में कौन होंगी एक्ट्रेस? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज खबर लेकर आई हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ के बारे में। 2022 में रिलीज हुई केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। मूवी का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि इसके मेकर्स को पार्ट 2 के रिलीज होने के कुछ दिनों में ही पार्ट 3 के रिलीज होने का अनाउंसमेंट करना पड़ गया था। और तो और, रॉकी भाई के कैरेक्टर का इतना क्रेज देखने को मिला कि एक्टर यश की छोटी से छोटी वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो जाती है आजकल। कहने को तो मूवी गोल्ड माफिया के ऊपर थी, पर उन्होंने अपने फैंस के दिलों में डायमंड जैसी जगह सदा के लिए बना ली है। अब इसके पार्ट 3 के अनाउंसमेंट जब से हुई है, तब से बहुत सारी फैन थियोरीज निकल कर आ रही है। हमने केजीएफ 2 की एंडिंग में देखा था, रॉकी समुद्र के बीचों बीच डूब रहे होते हैं और दूसरी तरफ उनके नाम की कुछ फाइल्स खुल रही होती है। ये तब की होती है जब रॉकी भाई भारत से बाहर पावर जोड़ रहे होते हैं। इस बीच उन पर कई फॉरेन क्राइम्स फाइल हो जाते हैं। ऐसे में ये फिल्म के पार्ट 3 से लोगों को हुक्ड रखने के लिए फिल्म के मेकर्स की हिंट हो सकती है, जिसमें वो बता रहे हैं कि फिल्म का पार्ट 3 शायद इस बार में होगा कि किस तरह रॉकी भाई इन क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं। ये केजीएफ 2 का प्रीक्वल भी माना जा सकता है, जहां रॉकी भाई के कुछ पुराने सालों का समय दर्शाया जाए। इससे हमें ये भी पता चलता है कि फिल्म की शूटिंग ज्यादातर फॉरेन लोकेशंस में की जाएगी और फिर शायद सोने की खदानों के आसपास इतनी शूटिंग ना की जाए। पर जहां हीरो क्राइम करता है, उसके पीछे पुलिस वाला जरूर होता है उसे पकड़ने के लिए। हमें केजीएफ 3 में एक दमदार पुलिस वाले का रोल भी देखने को मिल सकता है, जो रॉकी के पीछे हाथ धो कर पड़ा हो। पर सवाल ये है कि क्या रॉकी भाई को इंडियन गवर्नमेंट पकड़ पाएगी, या इस बार भी क्लासिक बॉलीवुड मूवीज की तरह रॉकी भाई के पीछे एफबीआई को लगा दिया जाएगा? क्या उनको भी 12 मुल्कों की पुलिस का सामना करना पड़ेगा? अगर फिल्म की एंडिंग की बात की जाए तो रॉकी भाई शायद ना पकड़े जाए, क्योंकि ये मूवी एक प्रीक्वल होगा। तो जो हमने केजीएफ 2 में देखा था, वही रॉकी भाई का अंत होगा। पर केजीएफ 3 केवल एक पुलिस चेस होगी। इसके अलावा मूवी में कई एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्शन, रोमांस और गाने। रॉकी से रोमांस करती रीना का किरदार निभाने वाली श्रीनिधि शेट्टी हमें फिर से कुछ वक्त के लिए दिखाई दे सकती है। रीना की मौत केजीएफ 2 फिल्म के एंड में हो जाती है। ऐसे में कई लोग ये सोच सकते हैं कि वह शायद इसके पार्ट 3 में ना दिखाई दे, पर फिल्म मेकर्स की दी हुई हिंट और हमारी रिसर्च के मुताबिक फिल्म में रीना का किरदार फिर से श्रीनिधि शेट्टी निभाने वाली है, और ये किरदार नहीं बदलेगा, क्योंकि फिल्म होगी एक प्रीक्वल। यानी फिल्म के इस पार्ट में वह समय दिखाया जाएगा जब रीना और रॉकी भाई साथ ही थे और दोनों को इतनी मुश्किलों के बाद कुछ अच्छा समय बढ़िया फॉरेन लोकेशन के बीच बिताते हुए दर्शाया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म में एक आइटम नंबर की भी जगह है, जिसके लिए भी किसी एक्ट्रेस की पुष्टि नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, क्या होगा केजीएफ 3 में, और आप कितने एक्साइटेड है केजीएफ 3 के लिए? दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।